योनो का मतलब होता है यू ओनली नीड वन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योनो एसबीआई के माध्यम से हम कैसे अपना एक सेविंग अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि अपना एक सेविंग अकाउंट को कैसे हम ओपन कर पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर से आपको योनो एसबीआई को डाउनलोड कर लेना है। ठीक फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक फ्रेंड्स, आपको जो भी ये परमिशन मांग रहा है आपको इसे अलाउ कर देना है। यहाँ पे नीचे में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टू एसबीआई। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद सेकेंड है एग्जिस्टिंग कस्टमर, उसके बाद आई हैव ए एक्टिवेशन कोड। तो फ्रेंड्स, हमको जानना है कि अपना सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन करना है, तो हमको यहाँ पे न्यू टू एसबीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम का, मतलब आप इसमें पहले से टाइप किए हैं और कुछ आपका जो प्रोसेस है वो फंसा हुआ है उसके लिए। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बोल रहा है सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद कन्वर्ट जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट चेक फॉर सैलरी पैकेज टी ऑफ विथ एसबीआई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास यदि पैन कार्ड है, क्योंकि इसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड है तभी आप इसमें ओपन कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट आर एल ईमेल मंथली ओनली। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइज डेबिट कार्ड, मतलब ये सब सुविधा आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करके जान सकते हैं। तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद कोई रेफरल कोड है तो वो भी आप यहाँ पे डाल के, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ईमेल ऑप्शनल है, आप ईमेल डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको आपको यहाँ पे डालना है, डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपके पास ओटीपी नहीं गया है तो आप यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिंपली ये जो भी परमिशन मांग रहा है उसके आपको सिंपली टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। ठीक है, तो आइए हम अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गए हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपना यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, उसका नंबर डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, उसके बाद मिस्टर्स हैं, जो भी अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपने लिए खोल रहा हूँ तो यहाँ पे मिस्टर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, नाम डालने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के बाद आप यदि पास आपके मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको ना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना, डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आ गया। ठीक है, अपना यहाँ पे जहाँ जब आपका जन्म हुआ है वो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी आपका सिटी पड़ता है अपना यहाँ पे सिटी डालना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे काउंटी पड़ता है, जिस भी काउंटी से आप हैं अपना यहाँ पे काउंटी सेलेक्ट कीजिएगा। ये दोनों ऑप्शनल है, ये सिटीजनशिप उसके बाद नेशनलिटी। ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है तो कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए अपना ये कि अपना यूज़र आईडी यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपको मिनिमम 8 करेक्टर और मैक्सिमम आपको 20 करेक्टर, जिसमें आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल में, उसके बाद सेकेंड स्मॉल, उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर, उसके पास कुछ डिजिट। ठीक है, जितना सब डालने के बाद अपना यह पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्क्रीन पर एक शो कर दूँगा, उसे देख करके आप समझ पाएगा कि कैसे पासवर्ड बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने डाला है ये मेरा यूज़र आईडी अवेलेबल बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाया है, यही पासवर्ड डाल करके आप योनो एसबीआई में लॉगिन हो सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपको यहाँ पे लिख करके और पासवर्ड को लिख करके रख लेना है कहीं पर। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, अपना यहाँ पे बिल्डिंग नेम या फिर फ्लैट, सोसाइटी, हाउस नंबर जो भी है यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी रोड एरिया है उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जिस भी सिटी से आप पढ़ते हैं, जिस भी टाउन से पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन पड़ता है अपना एरिया का पिन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी स्टेट पड़ता है अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आइए हम इसमें डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि टेक ए सेल्फी, आप यहाँ पे सेल्फी लेकर के भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास गैलरी में फ़ोटो है तो आपको यहाँ पे अपलोड रिसेंट फ़ोटो फोटोग्राफी पे करके अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है इसे हम दे देते हैं। उसके बाद गैलरी से हम इस एक फ़ोटो को लेके इसमें अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल इनकम पूछ रहा है। ठीक है, अपना यहाँ पे एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी एनुअल इनकम है वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एजुकेशन क्या है। ठीक है, अपने हिसाब से अपना एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने प्लस टू और टेंथ दोनों किया है तो आपको यहाँ SSC उसके बाद HSC आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आप टेंथ किए हुए हैं मतलब प्लस टू नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे ब्लू SSC पे क्लिक करना है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है, आपका रिलीजन क्या है अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, या फिर इसमें अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका मैरिज हो चुका है तो अपना यहाँ पे मैडम का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, तो इसमें आपको मिस्टर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम डालने के बाद उसके बाद आपको SI माता पे सेलेक्ट करना है। उसके मिसेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नाम और इसके बाद लास्ट नेम डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आइए हम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। यदि आप कोई सर्विस करते हैं तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना है, कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे, यदि आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अदर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉय, उसके बाद हाउसवाइफ, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद रिटायर्ड। इसमें से आप जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे यहाँ पे नॉमिनी नेम बोल रहा है, अपना यहाँ पे नॉमिनी नेम डालना है। जो भी आपके फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, अपने भाई का नाम डालना है, अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका रिलेशन पड़ता है उसमें डालना है, डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी एड्रेस बोल रहा है, यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, यदि दूसरा कोई एड्रेस तो आपको इसमें डालना है, डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मेरा सेम है तो सेम पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सर्विस। ठीक है, अपना यहाँ पे जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं आप इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिसीव SMS अलर्ट, तो आपको इसे चाहिए तो आपको यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है चेकबुक रिक्वायर्ड, यदि आप यहाँ पे चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, यदि नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इंटरनेट बैंकिंग राइट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे टैप करना है, टैप करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन चार ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फूड ट्रांजेक्शन लिमिटेड, उसके बाद व्यू ओनली, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग राइट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पर्सनलाइज की। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि केक कार्ड का टाइप, कार्ड का टाइप आपका क्या रहेगा अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सिल्वर क्लासिक, तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आपके नज़दीकी में कोई ब्रांच है या फिर यदि अपने घर पे ही उसके एजेंट को बुलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। जो भी आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया है उसको आपको यहाँ पे डालना है, डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे एक रेफरेंस कोड आ गया है। ठीक है, इस रेफरेंस ID और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो चीज़ को लेना है। लेने के बाद आपको 15 दिन के अंदर अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके उसमें संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद जैसे ये रेफरल कोड और वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दीजिएगा, उसके बाद आपका सक्सेसफुली अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपके पास एक पासबुक मिल जाएगा और 6 से 7 दिन के बाद आपके घर पे एक ATM कार्ड भेज दिए जाएंगे बाई पोस्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि योनो SBI के माध्यम से हम कैसे अपना बैंक अकाउंट को ओपन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ हमेशा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा फुल वीडियो देखने के लिए।